सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगने वाले सोलर पैनल में 1,63,00,000 रुपए के घोटाले की जांच करेगी एसीबी। वहीं अमृत योजना में 8 करोड़ के घोटाले के मामले में भी जांच अधिकारी नियुक्त। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर की पूर्व नगर निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल की बड़ी मुश्किलें। एसीबी मुख्यालय से 2 परिवाद हुए प्राप्त, जांच अधिकारी ने शुरू की जांच। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन के द्वारा दिए गए परिवाद, एक परिवाद में नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के द्वारा अमृत योजना में कर दिया गया अतिरिक्त भुगतान, 8 करोड़ का किया गया अतिरिक्त भुगतान, संभागीय आयुक्त द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है परिवाद। वहीं निगम की पूर्व आयुक्त चिन्मयी गोपाल के द्वारा एसटीपी सोलर प्लांट का ठेका बिना टेंडर प्रक्रिया के देने से सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का लगा है आरोप, एसीबी ने दर्ज किया परिवाद। एसीबी के डिप्टी एसपी महिपाल चौधरी ने दी जानकारी। जी सर, किस तरह का परिवाद आपके पास में है, क्या मामला? हमारे हेडक्वार्टर से तत्कालीन जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनके विरुद्ध और ठेकेदार वगैरह के विरुद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें कंप्लेन जो यह है, परिवादी ने यह कंप्लेन की है कि अमृत योजना के तहत अजमेर नगर निगम एरिया में विकास कार्य हुए थे, जिसमें 83 करोड़ का काम हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए अधिक भुगतान हो गया किया गया है। इस संबंध में मुख्यालय से परिवाद प्राप्त हुआ है, जिस पर मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। हमने नगर निगम और संभागीय आयुक्त कार्यालय से दस्तावेज मांगे हैं और जांच शुरू की है। कौन कौन सी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है? योजनाओं का विशेष उल्लेख है नहीं उसमें, समग्र रूप से है, दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पता चलेगा और इस संबंध में जाँच के पश्चात ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। जो परिवादी कौन है, किसने? बाहर काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं मिस्टर टंडन, उनकी तरफ से हमारे हेडक्वार्टर में कंप्लेन की गई थी 2 परिवाद की। एक तो यह है नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और इनके विरुद्ध, दूसरा भी नगर निगम की तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध है, जिसमें सोलर प्लांट की कार्य के संबंध में है, जिसमें यह है कि सोलर प्लांट में बिना टेंडर के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए तत्कालीन निगम की कमिश्नर द्वारा, और जिससे गवर्नमेंट को वित्तीय नुकसान हुआ है। ये दोनों आरोप है परिवादी की ओर से। इस संबंध में भी हमने दस्तावेजों की के लिए डिमांड की है और दस्तावेज प्राप्त होने की पश्चात ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। परिवादी ने जो आरोप लगाए हैं, जो अधिकारी कौन कौन है, क्या क्या नाम है? परिवादी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक परिवाद में तो तत्कालीन नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर हैं, अब दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पता चलेगा कि उसमें कौन कौन किन किन के कार्यकाल में टेंडर जारी हुए हैं, विकास कार्य किन के कार्यकाल के हैं। और दूसरा जो है वो नामजद है, जिसमें सोलर प्लांट की बिना निविदा वाले में, उसमें परिवादी ने तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर चिन्मयी गोपाल IAS के विरुद्ध शिकायत की है।